वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज हम देखने वाले हैं बोया MM1 प्लस माइक्स के क्या क्या बॉक्स के अंदर कंपोनेंट आते हैं और कैसा रिव्यू है उसका, क्या वॉइस क्वालिटी है। और अभी आप जो ये वॉइस ओवर सुन रहे हो ये भी बोया MM1 प्लस से ही रिकॉर्ड किया गया है। सो यू विल गेट अ स्नीक पीक कि कैसा वॉइस रिकॉर्ड हो सकता है इस माइक के अंदर। सो लेट्स सी कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं माइक के बॉक्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमें मिलता है एक डेड कैट जो विंड एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद हमारे पास है हमारा मेन माइक कार्डियोक माइक जिसके अंदर दो पोर्ट है, एक के अंदर एक माइक की वायर जाएगी और दूसरे के अंदर हेडफोन्स की वायर जाएगी। उसके बाद हमारे पास पाउच और वायर है, एक वायर मोबाइल और लैपटॉप के लिए और दूसरी सिर्फ कैमरा के लिए। और बाद में हमारे पास है माउंट जो अनवांटेड शेक्स एब्जॉर्ब कर लेगा। हेलो गाइस, सो ये है माइक टेस्ट और ये मेरे हाथ में बोया MM1 लैब माइक, करेक्ट? यस। सो इसका हम टेस्ट कर रहे हैं और एक माइक है हमारे पास फिलहाल, तो इसे टेस्ट कर चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किस हिसाब से इसकी वॉइस क्वालिटी है, बस इतना ही। ओके गाइस, सो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये बोया MM1 प्लस से है और जो पिछले वाला था वो बोया M1 लैब था। सो आई थिंक आप थोड़ा डिफरेंस समझ रही होगे वॉइस में, थोड़े सरप्राइज भी हुए होंगे कि मैं आ गया एंड्रोवे के चैनल पे। एंड्रोवे किधर है? सो एंड्रोवे भैया पीछे ही है, कैमरा आज हैंडल कर रहे फॉर अ चेंज। सो कोई नहीं, उतना एडजस्ट कर लूँ। ओके गाइस, सो ये अभी मैंने फ़िलहाल पकड़ा है नज़दीक, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नज़दीक जब आप पकड़ते हो तब कुछ ऐसा साउंड आता है और जब आप दूर जाते हो कुछ इस तरीके से, तो पता नहीं साउंड आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है तो दिख रहा हूँ, और अभी आ रहा है कि पता नहीं, बस नहीं हो पाया होगा। आया? ओके गाइस, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये ईयरफोन मैंने कहीं फ़ोन में प्लग किया है कि, बट नहीं, ये एक्चुअली वो माइक का एडवांटेज है कि आप उसमें भी ईयरफोन प्लग कर सकते हैं, तो आप वो वॉइस क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं कि किस हिसाब से रिकॉर्ड हुआ। और ये आपको गेमिंग में भी, अगर आप वीडियोस बनाते हैं गेमिंग के, तो उसमें भी आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी आप तो समझदार है ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।